फ्रेंड अभी सुबह सुबह का टाइम है, ये नेक्स्ट डे को व्लॉग है। मैं नहा ली हूँ और मैंने अपने कान्हा जी को भी नहला लिया है और अलका भी अभी नहाने के लिए गई है। जब तक अलका नहा के आती है तब तक जो है मैं अपनी बाकी की तैयारी करती हूँ पूजा पाठ करने की। देखिए लड्डू को मैंने नहला करके यहाँ पे मम्मी जी लेटी हुई थी तो मम्मी जी के पास ही बिठा दिया था। अब मैं इनको मंदिर में ही बिठाऊँगी क्योंकि ये हमारे साथ पूजा कराएँगे तो इनकी भी पूजा होगी। बस अभी सारी तैयारियाँ करते हैं। और देखिए ये फ्रेंड हमने लगाया है माता रानी का अपना मंदिर जो है, अच्छी तरह से साफ करके सारा सजा दिया है दोबारा से क्योंकि रोज ही जो है दिया बत्ती करते हैं तो रोज ही इनकी सब सफाई भी होनी है। देखिए ये है माता रानी का दरबार। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपर वाली, तेरे ही गुण गावे भारतीयो मैया, हम सब उतार तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सो सिंगों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख ओ मैया, हम सब उतार तेरी आरती, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता, पुत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी, माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भावर से उबारती, ओ मैया हम सब तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, इलाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती, ओ मैया हम सब उतार तेरी आरती, चौदस के दिन तेरे भवन में भीड़ पड़ी भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, जो कोई मांगे उसको मिलता कहती दुनिया सारी, मैया तू ही तो देने वाली, ना जाए कोई खाली, दुखियों के दुख रेनी वारती, ओ मैया हम सब उतार तेरी आरती, बोलो अम्बे मात की जय। तो फ्रेंड पूजा हमारी हो गई है तो चाय रखती थी बनने के लिए यहाँ पे, चाय मम्मी भी ले लेगी और हम दोनों हैं, और मैं ला रही हूँ मीठा, चुरा के लड्डू तो लेगी, चुरा के लड्डू ला रही हूँ और लोज ला रही हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने ले लिया है कान्हा जी का नाश्ता क्योंकि कान्हा जी को भी मैं मीठा और दूध ही पिलाऊँगी तो कान्हा जी को कराते हैं उसके बाद पियेंगे अपनी चाय। थोड़ी सी देर के लिए मैं यहीं पर रख दूंगी। ये हो गया है हमारे कान्हा जी का और ये इनकी गौ माता का। तो ये और अभी चलते हैं अपनी चाय लेते हैं। तो ये चाय हमारी बन चुकी है, अभी छानते हैं और तीनों बैठ के पियेंगे सास बहू मिलके चाय अभी। और मौसम ना फ्रेंड फिर से ख़राब हो गया है, घटा हो गई है फिर से, तो देखते हैं। और वैसे भी आज ना हमारी सरसों निकलनी थी, कटी पड़ी है, कटी हुई तो जो पहले बारिश हुई थी उससे पहले ही पड़ी थी, लेकिन दो दिन की धूप लगी और उसके बाद आज का ये था कि चलो आज निकलवा लेंगे और आज फिर से घटा हो गई है। तो कितनी बार भीगेगी पता नहीं। तो चाय हमने बना ली थी, अभी हम तीनों पी रहे हैं चाय लड्डू और लोज के साथ। तो फ्रेंड आ जाइए आप लोग भी गर्म गर्म चाय पीने का आनंद उठाइएगा क्योंकि अभी ना फिलहाल ठंडा ही मौसम हो रहा है तो चाय का आनंद भी पूरा आ रहा है।
चाय पीने के बाद जो है अलका अपने ऊपर के किचन के काम में लग जाएगी और मैं लग जाऊंगी नीचे वाले काम में, अपने पशुओं के काम में। तो बस अभी टाइम भी ना काफी हो चुका है, 10 बज चुके हैं, और इसके बाद अभी हम लगते हैं अपने अपने दोनों कामों में। सही बात है। तो फ्रेंड आज फिर से सरसों निकलवा के लाए हैं ये, और जो पहले वाली सरसों थी उसमें तो बहुत ज़्यादा डाया था, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ और कोरी है देखिए। और मौसम बारिश से का हो रहा, घटा हो रही बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से ना अंदर ही खोल ली, बाहर नहीं फैलाई, क्योंकि अभी धूप तो निकल नहीं रही। जब धूप निकलेगी इसे फिर बाहर कर देंगे सुखाने के लिए। तो खोल इसलिए दी क्योंकि 2 दिन से पहले बारिश में भीग रही थी, तो कभी ये गर जाए, खराब हो जाए, गिल्ली है अभी, तो इसलिए से खोल ही दी कि हवा लगती रहेगी भले ही धूप ना लगे। और टफी ने देखो कितनी रुक के तार रखे पूरे, क्योंकि इसे बाहर ना गाय दिख रही खड़ी हुई बाहर सड़क पे। ओ फ्रेंड, यहाँ पे मेरे जो है नीचे के काम निपट चुके हैं, अलका का भी किचन का सारा ही काम निपट चुका है। और फ्रेंड मैं बताऊँ ना, बच्चों के बिना ना घर भी इतना सुनना सुनना जा रहा, काम भी इतना जल्दी से हो जाता है, क्योंकि डिस्टर्ब करने के लिए बच्चे ही होते हैं छुट्टियों में, वो एक की जगह 2 काम बताते रहते हैं और हमें ना काम में अलझाव रखते हैं। पर कुछ भी हो उनके साथ ना पूरा दिन अच्छे से कटता है, भले ही वो काम बताते हैं, उनके 2-4 काम फालतू भी होते हैं तो उससे तो कोई वो नहीं है, लेकिन घर में ना रौनक होती है, चहल पहल होती है। और अब ना ऐसा हो रहा है 2 दिन से, काम तो हमारा बहुत जल्दी से निमट जाता है और उसके बाद ना पूरा दिन काटना बड़ा मुश्किल होता है। और दोपहर के जिस दिन काम थे वो निमट चुके हैं, अभी दोपहर ही काटनी बड़ी मुझे मुश्किल हो रही है। तो आज ना मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, और दोपहर में जितनी देर भी लाइट आएगी, और जब तक मेरा मतलब मूड सा बनेगा, मुझे आलकस नहीं आता, जब तक मैं प्रेस करती हूँ, जैसे ही मुझे आलकस आ जाएगा फिर मैं ना आराम ही कर लूंगी बस। तो मैं लग चुकी हूँ प्रेस में, करती हूँ जितने भी मेरे, क्योंकि काफी दिन हो गए मुझे प्रेस करे भी, जितने भी कपड़ों पर प्रेस करी थी ना सारे पहन लिए एक करके। तो जी अभी लगती हूँ प्रेस में, देखते हैं कब तक होती है, सारों पर होती है या नहीं होती है। और फ्रेंड यहाँ पे ना जितने भी मैंने कपड़े निकाले हुए थे ना सभी पे हो चुकी है, पर लास्ट का मेरा एक पैंट ही थी, तभी जो है लाइट भी चली गई है। अब वो थोड़ी सी गर्म थी तो मैंने उस पर खैर फेर दी लाइट, वो प्रेस लाइट अब चली गई है। तो मुझे भी ना बहुत आलस आ चुका था इस टाइम पे, जितने भी ये कपड़े थे बस मुझे इन पे ही करनी थी, बाकी कपड़े मैंने छोड़ ही दिए कि मेरा ने अब मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, अब पूरी तरह से थक चुकी हूँ, अब करूंगी मैं आराम। तो जी बस कपड़े हो चुके हैं सारे, इनको लगाती हूँ अलमारी में और उसके बाद करेंगे अब दोपहर में 1-1.5 घंटे के लिए आराम। तो मैं मिलूंगी आपसे दोपहर के बाद, और आराम क्या करूंगी, मम्मी मुझे बार बार आवाज लगाई, बोल रही कि आजा चाय बन गई, चाय पी लिए। और मम्मी जी की तबीयत सी खराब हो रही थी, तो चलो कोई बात नहीं अभी पहले चाय पी लेते हैं, जितना भी आलस और आ रहा होगा ना वो सब उतर जाएगा मेरा। तो अभी मैं बाहर चलती हूँ, चलो पहले चाय ही पी लेंगे, बाद में थोड़ी बहुत देर के लिए लेट जाऊंगी। फ्रेंड सारे कपड़े मैंने प्रेस कर ली है, अभी चली गई है लाइट, और वैसे भी ना मेरे अब और हिम्मत भी नहीं हो रही थी करने की, बहुत सारे कपड़े प्रेस कर ली, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो जी फिर चलते हैं बाहर, चाय पियूंगी, चाय का वो हो रहा टाइम। और आज ना मम्मी जी यहीं लेटी हुई, मम्मी जी को आज ठंड लग गई थी, तो आज मम्मी जी यहीं लेटी हुई थी, ऐसे रखी हुई है अपनी मशीन, तो ये कुछ कपड़े ठीक कर रही है अपने। और फ्रेंड चाय पीने के बाद थोड़ी सी देर मैंने आराम किया, लेकिन उसके बाद ही ना नींद तो खैर दोपहर में नहीं आती है और मन भी नहीं लग रहा, तो बस मैं ना थोड़ी देर बाद ही खड़ी हो गई थी, उठ ली थी कि मैं जो नहीं तखत वगैरह ठीक करने हैं, क्योंकि जब से हमने जागरण करवाया कीर्तन करवाया था ये तखत हमने इधर लगाया हुआ था, फिर इधर से इधर गया भी नहीं कुछ, तो मौसम ऐसा हो रहा था, हवाएं चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी, और जो ये हॉल में लेटते हैं ना तो उसकी वजह से लगा रखा था कि ये पर्दे ना उड़े ऊपर को, क्योंकि हवा में रुकते ही नहीं है, उड़ उड़ जाते हैं पर्दे। तो मैंने कि चलो अभी इसके सहारे से ना ये उड़ नहीं रहे थे, लेकिन अभी ठीक हो चुका है मौसम, आज कुछ गर्मी सी है तो बस तखत मैं अपनी जगह पे कर दूंगी इसे वहीं पे, और इस पे गद्दे डाल दूंगी, बेडशीट डाल दूंगी, क्योंकि जो बेडशीट मैंने बिछाई हुई थी वो गंदी सी होगी तो उसे एक बार धो के जब रख दूंगी। वो एक बिछाने के बाद मैं आलू छील लूंगी, मैं और मम्मी जी, अलका ने सारे कपड़े उतार रखे हैं, तो 1-2 कपड़ों में उसे कुछ सुई से कर रही है, शायद कुछ उधड़ रहा है तो वो कर लेगी, और वो जो बाकी के कपड़े हैं उन्हें तह बना करके रख देगी। मैं और मम्मी छील लेंगे आलू, और देखिए आलू हमारे छिल चुके हैं। तो अभी चलती हूँ किचन में, तैयारी करती हूँ पकौड़ियाँ बनाने की। और गैस मैंने चला दी है, रिफाइंड जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, आलू मैंने काट लिए थे क्योंकि मुझे बनानी थी पकौड़ी, 1.5 कटोरी मैंने इसमें कुट्टू डाल लिया है, और कुट्टू ना शुरू के दिन ही पूरा छान लिया था, और छानने के बाद ही फिर दोबारा से पन्नी में कर दिया था।
तो 1.5 कटोरी मैंने डाल लिया है इसमें कुट्टू, 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच डालूंगी मैं इसमें सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में हम सेंधा नमक ही खाते हैं। कुछ लोग काला नमक भी खाते हैं लेकिन हम सेंधा नमक खाते हैं। 1 1.5 चम्मच डाल लिया है मैंने धनिया पाउडर, आधे चम्मच डाल लिया है मैंने गरम मसाला। तो इन सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसके बाद जो है मुझे ये अच्छी तरह से मिला लेना है। बस जिस तरह से बेसन की पकौड़ी उतरती है उसी तरह से उतर रही है, यहाँ पे बस बेसन की जगह कुट्टू ले रही हूँ मैं। तो इन्हें अच्छे से कर लेंगे मिक्स, तब तक हमारा जो है तेल भी अच्छे से हो जाएगा और उसके बाद उतारेंगे हम पकौड़ियाँ। और पकौड़ी उतारने से पहले थोड़े से जो है चिप्स बनाए हुए थे तो वो भून रही हूँ मैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं जो साथ में। पकौड़ी मेरी बन गई है, लास्ट में ये रह रही है, बाकी और सारी बन गई है। तो ये मैंने चढ़ा दी है और तभी तक जो है मैं कान्हा जी का निकाल दूंगी। तो पहले तो मैं कान्हा जी को भोग लगा के आऊँगी, तो थोड़ी सी पहले निकालती हूँ कान्हा जी के लिए। तो जी ये ले लिया है मैंने सारा भोग कान्हा जी के लिए। तो पहली प्लेट लड्डू गोपाल को देते हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगी फिर अपनी प्लेटें। और बस मैं प्लेट की प्लेट ही रख लूँगी, तो मम्मी जी भी ले लगी और अलका भी मैं भी। तो लग चुकी है हमारी प्लेट। और फ्रेंड आ जाइए आप लोग भी, मेरे व्रत के जो है खाना तैयार है, आप लोग भी आ जाइएगा, हम लोग भी खा रहे हैं। कोई बस मैं यहीं पे रोकती हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार सबसे सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।